प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिला स्थित त्रिकुट की पहाड़ियों में बनाए गए स्टेशन से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो तीर्थयात्रियों को सीधे कटरा पहुंचाएगी। इस ट्रेन संपर्क का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। अभियम की सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है, बड़ा पवित्र माहौल है। दूसरी तरफ रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और तीसरी तरफ आज माता वैष्णो देवी के चरणों में भारत भर से उसके भक्तों को लाने की सुविधा प्रदान करने का एक मंगल प्रारंभ हो रहा है। एक प्रकार से सब दूर एक पवित्रता का माहौल है और उस पवित्रता के माहौल में इस मंगल कार्य का आरंभ हो रहा है। मैं देश के माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले करोड़ों करोड़ों भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं और आज ये सुविधा ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सुविधा नहीं है और नहीं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को भेंट है, यह भेंट पूरे हिंदुस्तान को है, 125 करोड़ देशवासियों को है जो जम्मू कश्मीर आने के लिए लालायित रहते हैं, जो माता वैष्णो देवी के चरणों में आने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे कोटि कोटि जनों के लिए ये सुविधा है और उनके चरणों में ये समर्पित करते हुए मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये ट्रेन नई रेलवे लाइन पर चलकर जम्मू तक पहुँचेगी। ट्रेन 7 छोटी सुरंगों और 30 से भी ज्यादा छोटे बड़े पुल से होकर गुजरेगी। उधमपुर और कटरा के बीच चक्र खवाल नामक एक छोटा स्टेशन आएगा। 25 किलोमीटर की उधमपुर कटरा लाइन लंबी देरी के बाद शुरू हुई। इसे बनाने में करीब 1132.75 करोड़ रुपए की लागत आई है। न्यूज़ पॉइंट।